जितने भी तुम इलाके में लोगों को भड़का के भेजो ना, तुम मेरे से बहस करो वो कैसे बढ़ गया टीआरसी की अध्यक्ष, किसने बना दिया आपको? क्या नाम आपका? भरत सिंह ठाकुर है। आपको पता है वहाँ उसमें तुम्हारे जो डाकू पार्टी में बांध है उसको कैसे हमने पानी डलवाया है? क्या पता आपको कैसे जुड़वाया? भी नहीं था कि मैं वैध प्रयास सुनने की दिखाता था। मेहरबानी रही है तो मेहरबानी की बात नहीं, आप लोगों को बहका हुए मेरा गांव का मेरा दौसा जिले का एक बांध नहीं जुड़ रहा और तुम कह रहे हो मोदी के पास चलो राष्ट्रीय परिषद में घोषित करो, यही तो बेकार है। क्या करें आपका तो पूरा राजस्थान है, पूरा राजस्थान दौसा कैसे मान रहे हो आप अपना? आप तो पूरे राजस्थान के मालिक हो। तेरे तेरे भरतपुर जिले में केवल एक बंद मारे का बांध मार जा रहा है, बाकी के 17 बांध रह गए, वो बात क्यों नहीं करते? टीआरसीपी का मामला जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप बता रहे हैं तो अवश्य आप उस पर कुछ अपनी बात कहेंगे। ये हमारे यहाँ इश्यू बना हुआ है क्योंकि आपने पिछले चुनाव के वक्त में जयपुर में अजमेर में जिक्र किया था कि पॉजिटिव रूप में आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे। मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपके बड़ा आभारी रहेंगे राजस्थानवासी। और 13 जिले जहाँ बैठे हैं दूसरा के अंदर, वो जिला भी उसी में आता है, 13 जिले का आता है, जयपुर भी आएगा, अलवर भी आता है, अजमेर भी आते हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर सब इम्पोर्टेंट जिले, टोंक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ERCP को आप थोड़ा महत्व देंगे और प्रायोरिटी पर आप निर्णय करेंगे तो समयबद्ध काम से काम पूरा होगा तो पूरे 13 जिले की प्यास बुझेगी। वरना राजस्थान आज़ादी के पहले से ही आप जानते हैं कि जो स्थिति है पानी को लेके बहुत संकट में हम रहे हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ERCP पर आप जरूर अपनी बात रखें। वो पठारी क्षेत्र है और सारी नदियाँ वहाँ से बह करके चंबल नदी में आती हैं, तो चंबल नदी की जो पानी लेना था नहरों के माध्यम से वो मध्य प्रदेश ले चुका है, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती है चंबल में और वो इतना पानी आता है कि राजस्थान के 13 जिलों की एक बार नहीं 20 बार प्यास बुझाई जा सकती है उस जल से, और वो जल व्यर्थ में यमुना नदी में के मार्फत बह करके वो बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है। अगर MP सरकार को पानी की आवश्यकता है तो वो अपना प्रोजेक्ट बनाए। सिर्फ हम लोग चाह रहे हैं कि जो पानी बचा हुआ है, जो पानी व्यर्थ में जाता है, वो पानी राजस्थान को मिल जाए।